सो गुड मॉर्निंग यूट्यूब, और कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो इस टॉपिक पे, जिसमें मेरे से सबसे ज़्यादा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है, वो टॉपिक है इस वीडियो का, हाउ आई राइड सोलो। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मोस्टली जानते होंगे आपकी, मैं मोस्टली सोलो राइड करता हूँ। तो हर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आप सोलो कैसे राइड करते हो, जो प्रॉब्लम है उसे किस तरह से आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, या जो भी चीज़ें हैं आप किस तरह से मैनेज करते हो। तो ऐसा इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी का अपना राइडिंग, हर कोई अपने अलग अलग तरीके से करता है, हर का मकसद अलग होता है। तो कोई ग्रुप में एंजॉय करता है, किसी के लिए राइडिंग फन है, बट मैं सोलो प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे उसी की आदत है। मैं शुरू से मोस्टली सोलो ही घूमा हूँ, सोलो ही राइड किया हूँ। तो चलिए बताता हूँ जो कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपसे शेयर करूँ, ताकि आपको भी हेल्प हो सके। और शुरू शुरू में थोड़ा नर्वस फील होता है, आज भी मैं जब राइड पे निकलता हूँ तो पहले दिन नर्वस फील करता हूँ। तो ये चीज़ ऑब्वियस है, इसके लिए कोई आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है कि एक प्लान बनाएं, जिस भी जगह आप जा रहे हैं, जैसे आपको बिलासपुर में मैं अभी हूँ, मुझे यहाँ से आप मान लीजिए इनकेस लद्दाख जाना है, तो आप एक प्लान बनाएं। आपके पास कितने दिन का समय है, 15 दिन का आपके पास समय है, तो थोड़ा सा रिसर्च करें, प्लान बनाएं कि इस डे वन में यहाँ रुकूंगा, डे टू, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ, या यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, तो डे वन डे टू में मैं रुकूंगा, कहाँ रुकूंगा, कैसे रुकूंगा, डे थ्री में मुझे कहाँ पहुँचना है, डे फोर कहाँ पहुँचना है। इस तरह का जब आप एक प्लान बनाएंगे और उस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तो आप का जो ट्रिप है वो काफ़ी इन्जॉयबल होगा, काफ़ी आप इन्जॉय करेंगे उस ट्रिप को। तो ये सबसे पहली बात है कि एक प्लान बनाएं। दूसरा जो है कि जो प्लान आप करें वो अपने आप को समझते हुए करें कि आप एक दिन में कितना राइड कर सकते हैं। हर कोई कोई 300 किलोमीटर एक दिन में चलाता है, कोई 400 किलोमीटर, कोई 500, कोई 600, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो एक दिन में कितना राइड करना चाहता है। तो आप उस अकॉर्डिंग प्लान करें, क्योंकि अगर आपका आप कैपेबल होंगे 500 किलोमीटर गाड़ी चलाने का, और अगर आपने प्लान में 800 किलोमीटर राइड आपने लिखा हुआ है, तो वो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इन केस अगर आप एक दिन कर भी लिए, तो सेकेंड डे फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाना। तो प्लान वैसा बनाएं जो आप जो कर पाने में अपने जानते हुए कैपेबल हों, तो वो प्लान आपका सक्सीड करने में काफ़ी आसानी होगी आपको। और जो तीसरा है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि सुबह जल्दी राइड चालू करें और शाम में राइड ख़त्म कर दें। मेरा सिंपल सा एक बेसिक जो मैं फॉलो करता हूँ कि सनराइज़ टू सनसेट मुझे राइड करना है। सनराइज़ के हाफ एन आवर 45 मिनट पहले मैं निकलता हूँ मोस्टली, और मैं रास्ते में वो जब सनराइज़ होते हुए मैं देखना चाहता हूँ गाड़ी चलाते हुए, और सेम गोज़ विद सनसेट, मैं रास्ते में सनसेट होते रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अब अपना राइड जहाँ मैं पहुँचना चाह रहा हूँ वो उस ड्यूरेशन में पहुँच जाऊँ, और उस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रेक लेंगे, कहीं रुके हैं तो रुक गए हैं, चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज़ प्लान करके चलना होगा, तो वो प्लान करके आपको चलना होगा। ये तीसरा पॉइंट था। और जो फोर्थ पॉइंट है जो मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ, कि ईट लाइट, बहुत हल्का खाना खाएं, बहुत ज़्यादा हैवी ये नहीं, सुबह उठे नाश्ता में 4 पराठा, आलू पराठा और दही वही खा लिए, एकदम खाना हल्का खाएंगे तो आपको राइड करने में मज़ा आएगा। फ्लूड ज़्यादा लेते रहें, पानी पिए, कुछ शेक आ रहा है या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपको हाइड्रेट करके रखे आपके बॉडी को, खाना लाइट खाएं और ट्रिप को एंजॉय करें। ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कि जब आप सोलो राइड करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा एक चीज़ है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के कल्चर को, वहाँ के फूड को आप रिस्पेक्ट करें, वहाँ के लोकल्स की रिस्पेक्ट करें, उनके जो पहनावा है उनको रिस्पेक्ट करें। कई लोग कई जगह जाते हैं, बोलते हैं अरे ये बॉयल खाना मिल रहा है, मैं ये नहीं खाता। आप समझिए कि ये आपका घर नहीं है, वो जो फूड खा रहे हैं वो आपको सर्व कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझते हुए रिस्पेक्ट लोकल एंड देयर कल्चर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोकल के साथ इंट्रैक्शन बना के रखें, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि
कि कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंट रहे, बट ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, अपने लिमिट को जाने, अपने लिमिट को समझते हुए किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ें। हर समय ओवर कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी नहीं है। अपने आप जो लगेज है उसके भी आपको सेफ्टी देखनी होती है। जब आप सोलो रहते हैं, कोई आपका देखने वाला नहीं होता, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉन्फिडेंट रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि घर पे अपने जो भी आप जिसके भी थ्रू इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लाइव लोकेशन आप शेयर कर सकते हैं। आजकल तो मैप में भी, गूगल मैप में लाइव लोकेशन शेयर होता है, व्हाट्सएप पे होता है, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं घर में, किसी एक को या अपने फ्रेंड को, अगर आप घर में नहीं बताना चाहते हैं तो एटलीस्ट अपने फ्रेंड को आप बता सकते हैं, अपना लोकेशन उनसे शेयर करते रहें, और ताकि उन्हें एक अपडेट मिलता रहे कि हाँ आप अभी यहाँ हैं। और वो जो प्लान आपने बनाया, जो लिख के रखा है, वो अपने घर वालों के साथ या अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, ताकि उन्हें पता रहे, एक मेंशन कर दें कि ये इस से इस दिन नेटवर्क हो सकता है ना रहे, ताकि वो चिंतित ना हो अगर अचानक से आपका फ़ोन बंद होता है तो। तो ये चीज़ उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि हो सकता है डे 7, 8 और 9th जो डे है मेरे ट्रिप का, उस दिन मैं नो नेटवर्क जोन में रहूँ, तो मे भी आपका कॉल ना आए, तो आप चिंतित मत होइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। मैं फंस चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कहीं भी जाने के पहले रोड के बारे में रिसर्च करें, वहाँ के कल्चर, वहाँ के फूड, वहाँ के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं या जो हिडन टूरिस्ट स्पॉट हैं, वो आप सर्च करें, पढ़ें थोड़ा सा, तो आपको काफ़ी आसान रहेगा। और बाकी जो आपको मिल जाए रास्ते में, वो हर चीज़ आपको, हर दिन आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले थोड़ा सा रिसर्च करें हर चीज़ के बारे में, अपने रूट के बारे में जानकारी लें। कहीं भी जाने के लिए दो रूट हैं, तो कौन सा रूट बेटर है, कौन सा रूट सेफ है, ये सब चीज़ आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपके मिल जाएगा। वैसे एक फेसबुक पे HVK फोरम है, आप वहाँ ऐड हो सकते हैं और वहाँ सर्च करेंगे, आप अपने क्वेरी भी डालेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। काफ़ी सारे बुद्धिजीवी लोग हैं वहाँ जो आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अपने इनर गट, जो फीलिंग, जो सिक्स सेंस होती है, उसके हमेशा सुने, वो बहुत ज़रूरी है। कि आपका जो अंदर से जो एक बोलते हैं, एक आपका मन जो कह रहा है, उसको कभी निगलेक्ट ना करें। अगर लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, कभी लगता है इस दिन यहीं रुक जाऊँ, उधर जाना सेफ नहीं है, तो अपने मन की सुने। डर में और अपने मन की सुनने में बहुत अंतर होता है, तो ये डिफरेंस आपको करना होगा। आपका सिक्स सेंस कभी गलत नहीं करेगा आपके साथ, तो उसकी सुने। कई बार होता है कि आगे ट्रक जा रही है, कार जा रही है, मुझे ओवरटेक करना होता है, तो दिमाग कह रहा होता है कि ओवरटेक कर लो, लेकिन एक जो आपका सिक्स सेंस है वो कहेगा नहीं, रुक जाते हैं, ये सही नहीं है अभी यहाँ पर ओवरटेक करना। तो ये सब चीज़ आप अपने थोड़ा सा एक्टिव रहें, थोड़ा सा अगर आप सजग रहेंगे तो आप समझ पाएंगे इन सब चीज़ों को। थोड़ा टाइम लगेगा बट आप सीख जाएंगे। तो यही कुछ पॉइंट है। अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहा है जो सोलो राइड करता है, आपके अपने एक्सपीरियंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके अपने कुछ पॉइंट है तो कमेंट करें, मैं बिल्कुल फीडबैक के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। और इस टाइप के और भी आप कंटेंट चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी रीजन से वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा हो तो बेशक डिसलाइक कर दें, बट फीडबैक दे के जाइएगा। बाय बाय।